इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। देखो भाई, मतभेद रहना स्वाभाविक है, दो मत है, लेकिन मनभेद नहीं रहना। मतभेद होना चाहिए, मती अलग अलग है तो मतभेद तो ठीक है, परंतु जीव में मनभेद ठीक नहीं है, बातें चित बंद है। हाँ, क्या ले आए हो? मत बांधो गठरिया अप जस बांधो आई हैं सजन पलंग चढ़ी बैठी हैं, ली हैं खबर तोरे नस नस की, मत बांधो गठरिया अब जस। कबीर बाबा, परमात्मा एक दिन आकर तुम्हारी चारपाई पर बैठेंगे और नस नस की खबर लेंगे। लोग कहते हैं ना, जे बहुत गुस्सा होता गांव में, कहता हम तो हां नसिया तुर देव। तीर्थराज प्रयाग पधारे, क्या बात, तो आप फोने बंद है, ऐसा नेतागिरी चढ़ी है, चार दिन से मिला रहे, लड़कन का आशीर्वाद देने आना है। प्रधान जी इलाहाबाद, श्रीमान पप्पू गौतम साहब पधारे, ये हमारे अलबेले प्रधान है, हम कहें कब अवा कहें आज भी आवत है कि ब्रह्मास्त्र। हाँ, हमारे प्रेसिडेंट इलाहाबाद, ब्रह्मास्त्र है, जब सब अस्त्र फेल हो जाता है तब पप्पू भैया, अगले वर्ष हूँ 9 दिन आपकी सेवा में, प्रयागराज में 9 दिन। वाह वाह रे राजकुमार, खूब पाए हो बाबू, ये कतो नहीं जात हैं, मार बहुरानी नेता है, उनका सेक्रेटरी। हमारे जिगरी मित्र हैं पप्पू भैया, अद्भुत हैं साहब, इसी बात के तो हम धनी हैं बाबू हैं। मुझे तूने मालिक बहुत दे दिया है, मुझे तूने मालिक बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया तेरा शुक्रिया तेरा शुक्रिया तेरा शुक्रिया। ये जायदाद दी है, ये औलाद दी है, ये जायदाद दी है, ये औलाद दी है, मुसीबत पड़ी तो इमदाद की है, मुसीबत पड़ी तो इमदाद की है। रे तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, ये तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया तेरा तेरा शुक्रिया। गुरुदेव भगवान प्रशंसा करके समझाना चाहते हैं, बेटा जिसको पिता देता है वही राज का अधिकारी होता है, राय राज पद तुम कहूं दीन्हा। आपके पिताजी ने आपको राजपद दिया है, आप पिताजी की वचन को सत्य करिए, श्रेष्ठ पुत्र वही है जो पिता के कहने के अनुसार रहता है। गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी रघुवंश के पुरोधा हैं, भाई बहन
सचिव जी ने अनुमोदन किया, माँ ने भी समर्थन में कुछ कहा, पूत पथ्य गुरु आयसु अहि। भरत भैया संकट में पड़े, क्या मानू क्या न मानू, गुरु जी ये कह रहे हैं, सचिव जी की सहमति है, अरे क्या मानू, धर्म। आपके जीवन में आपातकाल आए तो किसी की न मानिए, धर्म की मानिए। पिताजी आपको राज सौंप रहे हों तो विचार करना है, क्या पिताजी प्रेम से सौंप रहे हैं कि दबाव से, क्यों, राज सत्ता का अधिकारी ज्येष्ठ पुत्र होता है, हमारी संविधान की व्यवस्था है, तीनों प्रकार का उत्तराधिकार है, पुत्र परंपरा, राज परंपरा और गुरु परंपरा। गुरु जी किसको देना चाहते हैं, जिसको गुरु जी देना चाहें वही राज का गद्दी का अधिकारी होगा, और अनाधिकारी व्यक्ति ले लेगा, गाड़ी से जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा, मर जाएगा, अंत में उसी को गद्दी मिलेगी जिस पर गुरु जी की कृपा है, चाहे कितना यत्न कर ले साहब। देहि पितु देहि सो पावई टीका, वेद की गवाही गुरु जी कहते हैं, वेद विदित सम्मत सब ही का, जेहि पितु देहि सो पावई टीका। वेद विदित, वेद की गवाही है, भरत भैया पालन करिए, भरत जी संदेह में, भरत जी संशय में, भरत जी आपद में क्या होगा, धर्म। कौशल्या अंबा ने सुनैना माँ से कहा, जाने हो सदा भरत कुल दीपा, बार बार मोहि कहे वो मही। हे सुनैना जी, महाराज मुझे बार बार कहा करते थे कि भरत जी को कुल का दीपक जानना, भरत जी कितने आपद अवस्था में हैं, गुरु जी कह रहे हैं, बड़ी अम्बा भी कह रही है, सचिव जी की सहमति है, लेकिन भरत जी ने क्या निकाला, हाथ जोड़कर नेत्र झरझरा हुए, झरझरा उठे, भरत जी हाथ जोड़कर अनुमति प्राप्त कर बोलने लगे, गुरुदेव भगवान की जय हो, माँ के वंदन हो, आहा। गुरुदेव भगवान ने वही आज्ञा दी है जिसको पालन करते मेरा हित तो होता है, लेकिन एक मेरा भाव है, श्रेष्ठ से बहस नहीं करना चाहिए, सरबर नहीं करना चाहिए, परंतु भरत जी ने कहा, गुरुदेव आपकी जो आज्ञा है वही सिरोधार्य है, परंतु यदि पिताजी ने हमको ही राज दिया है तो मेरे पूज्य पिताजी का महाप्राण क्यों हो गया, इसका अर्थ क्या है कि पूज्य पिताजी ने हमको राज नहीं दिया, पूज्य पिताजी गुरुदेव भगवान से आपसे आज्ञा लेकर और बड़े भैया को राज देना चाहते थे, इसलिए आज्ञा जो है हम उसी का पालन करेंगे, परंतु राज उसी को मिले जिसको पिताजी की इच्छा थी। जेहि पितु देहि सो पावई, हम यदि अधिकारी न हो और हम अधिकारी बन गए, आप निश्चित मानिए हम अपने ही रसातल में चले जाएंगे। भरत जी धर्म की प्रतिमूर्ति हैं, प्रेम की प्रतिमूर्ति हैं, भजन की प्रतिमूर्ति हैं, तप की प्रतिमूर्ति हैं, और प्रभु साक्षात धर्म स्वरूप हैं। छोटे के नाम के आते ही बड़े भाई ने घर छोड़ा, रामचरित्र है, और छोटे भाई ने क्या कहा कि यदि पिताजी हमको देना चाहते थे तो महाप्राण क्यों हुआ, अर्थात पिताजी ने आपसे स्मरण किया, आपसे अनुमति लिया और बड़े भैया को राज देना चाहते थे, इसलिए मेरी एक दीनता है, मैं निवेदन नहीं कर सकता, लेकिन बस एक मेरा जो धर्म है मैं मानूं, हित हमार सिय पति सेवकाई, हम सेवक हैं, उचित ये है
कि पिताजी की अंतिम इच्छा थी भैया को राज तिलक, तो मैं अपनी दीनता अपने हृदय की करुणा आपसे निवेदन करूं कि प्रातः काल वन में चलकर और आप परमात्मा का तिलक करें, फिर मेरे प्रभु जो आज्ञा देंगे भरत स्वीकार करेगा। इतना कहते ही भरत जी सबके लिए प्राण प्रिय हो गए। देखो, सबका प्रिय वही हो सकता है जिसके जीवन में त्याग हो। त्यागो, लोभी प्रिय नहीं होता है, त्यागी प्रिय होता है, और जो त्यागता है वो सुखी रहता है। चलन प्रात सुन निर्णव नीके, भरत प्राण प्रिय भे सब ही के। क्यों? अब राजसत्ता मिलते मिलते, राजसत्ता मिलते छोड़ना कोई सरल काम है क्या? राजपद ऐसा है साहब, छुटता नहीं। क्या क्या उद्यम जीव कर लेता है राज के लिए, लेकिन यहां रचना बनी और प्रातः काल चलने की तैयारी होने लगी। भरत भैया ने अयोध्या की संपत्ति परमात्मा की है ऐसा जानते मानते हुए पवित्र सेवकों को बुलवाया है और सब अयोध्या की साज समार व्यवस्था सौंप दी। माताओं के लिए डोली बनाई गई, गुरुदेव भगवान के लिए रथ अग्निहोत्र सामग्री के साथ मां अरुंधति गुरुदेव विराजे। अति करुणा में भरत जी सब समाज को लेकर प्रभु की शरण में पहुंच रहे हैं। गुरुदेव भगवान कहते हैं, भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मना मनाने, सिया लखन को बुलाने, राम को मनाने सिया लखन को बुलाने, भैया भरत चले चित्रकूट हो राम को मनाने, बनसी राम समुझी मन माही, राम समुझी मन माही, सानु जभरत पया दे जानु जभरत पया दे जान, देखी लोग अति सय अनुरागी, देखी लोग अति सय अनुरागी, उतरी चले हय गय रथ त्यागी, उतरी चले हय गय रथ त्यागी, जी साधक सीध सयान हो राम को मनाने, साधक सीध सयान, राम को मनाने भरत, राम को मना सिया राम को मना। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।